ये वाला तो हमने डिस्कस कर लिया, ये वाला जो किया था। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ये वाला रेक्टेंगल जो इस तरह से पेयर हुआ, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वन को एक साथ पेयर कर सके। अब ये भी एक तरह से इस तरह का रेक्टेंगल बनेगा जिसमें एक वैल्यू ये वन है, एक वन ये है। तो ये वाला जो वन है इस वन को हमने लिखा है यहाँ पर, और ये वाला जो वन है इसको लिखा हुआ है यहाँ पर। करस्पॉन्डिंग ऊपर का जो वेरिएबल है वो लिख लेंगे बी बार सी बार और बी सी बार, और यहाँ पर क्या है ए बार। अगेन हम देखेंगे कॉमन वैल्यूज क्या है दोनों के लिए, तो ए बार दोनों के लिए कॉमन है और ऊपर से जो कॉमन वैल्यू आएगी वो आएगी सी बार। तो ये भी वैल्यू हमने नोट कर ली। तो एक वैल्यू हमने निकाल ली ए बार बी और एक वैल्यू हमने निकाल ली ए बार सी बार। ठीक, ये वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू निकाल ली। और थर्ड वाला जो वन है इसका किसी के साथ नहीं होगा, तो ये अकेला रहेगा, और अकेले वाले की वैल्यू क्या होगी जो उस करेस्पॉन्डिंग बॉक्स में वैल्यूज आ रही होंगी। तो ए वैल्यू आ जाएगी यहाँ से और बी बार सी ये यहाँ से आ जाएगी, तो बी बार और सी। इस तरह से ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी, एक दो तीन, तीन ग्रुप्स बन गए यहाँ पर। और जैसे ही सारे वन की पेयरिंग हो गई वहीं हम स्टॉप कर देते हैं, एंड जो आउटपुट आएगा फाइनल वो आएगा तीनों का सम, क्योंकि हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो आंसर आएगा ये आंसर आपका मिनिमाइज्ड आंसर आएगा। ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को अगर आप बूलियन से सॉल्व करेंगे तो भी आप इससे ज़्यादा मिनिमाइज इसको नहीं कर पाएंगे, और के मैप से हम इस तरह से मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। अब ये मिनिमाइजेशन करते क्यों हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस लॉजिकल एक्सप्रेशन या इस आउटपुट को डिज़ाइन करने के लिए कोई लॉजिकल सर्किट अगर डिज़ाइन करते हैं, तो लॉजिकल सर्किट डिज़ाइन करने के लिए क्या है कि जितने ये प्रोडक्ट वाले टर्म्स हैं तो प्रोडक्ट वाले टर्म्स के लिए हम कौन सा गेट यूज़ करते हैं, एंड गेट इस तरह से। तो अगर चार प्रोडक्ट वाले टर्म हैं तो चार एंड गेट लगाएंगे हम इसका सर्किट बनाने के लिए। ठीक, इस तरह से चार एंड गेट लगाए, तो ठीक हर एक पे इनपुट दे देंगे। जैसे तीन इनपुट का है, पहले में इनपुट क्या है ए बार बी बार सी बार, तो पहले में इनपुट दे दिया ए बार बी बार सी बार। दूसरे में अगले तीन इनपुट्स दे दिए ए बार बी सी बार, ऐसे ही तीसरे में इनपुट्स दे दिए तीन, और चौथे में तीन इनपुट्स दे दिए। इस तरह से हमने तीनों इनपुट्स दे दिए, तो इसके करेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के पहले में ए बार बी बार सी बार आ जाएगा,
ऐसे ही दूसरे में आ जाएगा ए बार बी और सी बार, सिमिलरली रेस्ट टू आ जाएंगे। अब उसके बाद इन चारों को ऐड करना है, ऐड करने के लिए कौन सा गेट यूज़ करते हैं, और गेट, तो एक हम और गेट लगाएंगे इस तरह से, और इसका जो आउटपुट है वो इसमें जाएगा, इसका आउटपुट इसमें जाएगा, इसे भी इसमें ले जाएंगे और इसे भी इसमें ले जाएंगे। तो जो भी ये चारों आउटपुट आ रहे हैं उन सबको ये गेट क्या करेगा, ऐड करके आउटपुट में दे देगा। तो अब जो वैल्यू आएगी वो वाई इक्वल्स टू यही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो ये आ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का ये सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, लॉजिकल सर्किट। अब इस सर्किट में हमें ये दिख रहा है कि एक दो तीन चार और एक पाँच, टोटल कितने गेट्स लगे, पाँच गेट्स यहाँ पर लगे। अब सेम चीज़ अगर इस एक्सप्रेशन के लिए देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन में कितने प्रोडक्ट टर्म्स हैं, तीन, तो हमें तीन बार प्रोडक्ट करना होगा, तो हमें कितने गेट्स लगाने पड़ेंगे, तीन गेट लगाने पड़ेंगे, एक दो और तीन, और बाद में इसको सम करने के लिए एक और गेट लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो इट मीन्स अब हमारा काम कितने गेट से चल रहा है, सिर्फ चार गेट से, पहले पांच गेट लगाने पड़ रहे थे, अब चार गेट लगाने पड़ रहे हैं। तो इसी सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को और इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हम ये मिनिमाइजेशन करते हैं कि सो दैट कि हमारा जो सर्किट हो, जो फाइनल सर्किट ड्रॉ हो, वो फाइनल सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए और उसकी कॉस्ट भी कम हो जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा गेट्स लगेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ेगी। और इसी तरह से जब बहुत बड़े बड़े सर्किट्स बनते हैं तो बहुत ज़्यादा गेट्स को हम, गेट्स का मिनिमाइजेशन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ गेट्स हम कम लगा सकते हैं। तो ये तो जस्ट तीन वेरिएबल के केमैप की बात है, इसके आगे चार पाँच छः वेरिएबल्स के जब केमैप सॉल्व करेंगे तो बहुत हैवी एक्सप्रेशंस होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस, और उनको बुलियन अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दैट इज़ वाई हम ये केमैप टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है और टाइम भी कम लगता है। कोई डाउट हो पूछिए, रेस्ट हम फिर अब कल के लेक्चर में बताएंगे आप लोगों को आगे, और किस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर के कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ग्रुपिंग करेंगे, कैसे आउटपुट एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो दो तीन क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। किसी का डाउट हो तो हैंड रेज करिएगा। ठीक है, आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं, अटेंडेंस आप इसमें चैट बॉक्स में मार्क कर दीजिए, जिनकी अटेंडेंस मार्क हो गई वो लोग लीव कर दीजिए क्लास। थैंक यू। आप लोगों को ट्यूट असाइन हो गया है, आप लोग ट्यूट भी सबमिट कर दीजिएगा थर्ड वाला।